हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 3 दैट इज वन डायमेंशन मोशन और वी कैन से मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आपको वो सारे वीडियो देख लेना चाहिए और उसमें थोड़ा सा टाइम भी आपका लगेगा, पर अगर आपने वो सारे वीडियो देख लिए हैं तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पर हमने डिस्टेंस की बात की, हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की, हमने वेलोसिटी की बात की, हमने एक्सेलरेशन की बात की। हमने एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें 3 इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल किए, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसमें हमने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट भी देखे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने 6 कैटेगरी देखी है, ग्राफ की 6 कैटेगरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, ये सारे कॉन्सेप्ट हम देख के आ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन के, तो यहाँ पर वो सारे कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर एग्जांपल 2.1, अब यहाँ पर आप लिख रहे हैं चैप्टर नंबर 3, तो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग इट इज़ चैप्टर नंबर 3, बट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इट इज़ चैप्टर नंबर 2, सो वी आर सॉल्विंग दिस चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। ओके, तो यहाँ पर हम जो आपका नया बुक एनसीईआरटी का आया है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं और उसके क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आप लिंक वाइज सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 2.1, उसमें क्या गिवन है, उसमें गिवन है कि द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, ठीक है, पोजिशन गिवन है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ए का वैल्यू गिवन है 8.5 मीटर, क्या गिवन है 8.5 मीटर, और बी का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी का वैल्यू गिवन है, टी यहाँ पर सेकंड में गिवन है, ऐसा बोल रहे हैं। व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो एंड एट टी इक्वल टू 2.0 सेकंड, एंड व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 2 सेकंड टू टी इक्वल टू 4 सेकंड। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं व्हाट इज़ वेलोसिटी, सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी वेलोसिटी एट टी इक्वल टू जीरो सेकेंड एंड टी इक्वल टू 2.0 सेकेंड। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमको पता है दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डी एक्स बाई डी टी। So this d by dt of what is this x, this x is a plus bt square, okay। तो हम यहाँ पर अगर पोजिशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे सो वी विल गेट वेलोसिटी, सो v इज इक्वल टू व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट हैविंग डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू जीरो प्लस, हमने देखा था यहाँ पर b कॉन्स्टेंट है और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t। सो फाइनली वी आर गेटिंग दिस एक्सेलर वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 2bt, कितना मिला 2bt, यहाँ पर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t। अब यहाँ पर हम अगर टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वेलोसिटी कितना आएगा जीरो, कितना आएगा जीरो, और अगर हम टी इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वेलोसिटी कितना आएगा 2 इंटू बी, और टी का वैल्यू कितना 2, टू एज इट इज़, बी एज इट इज़, और टी का वैल्यू कितना 2, सो दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू 4b, और बी का वैल्यू कितना है 2.5, हम यहाँ पर पुट करेंगे v इज इक्वल टू 4 इंटू 2.5, ओके, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 25 बाई 10, और ये 25 इंटू 4 कितना होगा 25 इंटू 4 यहाँ पर हमारे पास में होगा, जस्ट हमारे पास में होगा 100, सो v इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो v का वैल्यू कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट के हमारे पास में दो आंसर आते हैं, एक है 0 और दूसरा है 10 मीटर पर सेकेंड, इसे हम हाईलाइट कर सकते हैं, एक है 0, जस्ट अ मिनट, हाईलाइट की जगह हमने इरेजर यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पर v इक्वल टू जीरो आया है, हम हाईलाइटर यूज़ कर लेते हैं, है ना, ये दो आंसर हमारे पास में आए हैं। अब उन्होंने पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी, सेकंड पार्ट क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है आपको टी इक्वल टू 2 से टी इक्वल टू 4 तक, तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे x1 एट टी इक्वल टू 2,
टी इक्वल टू टू पर डिस्प्लेसमेंट पोजिशन क्या होगा, ए प्लस बी इंटू टू स्क्वायर, ओके। और टी इक्वल टू फोर पर पोजिशन क्या होगा, ए प्लस बी इंटू फोर स्क्वायर, ओके। क्योंकि हमको यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स निकालना है एक्स टू माइनस एक्स वन, टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर हमको मिलेगा ए प्लस इट विल बी 16 बी, ओके, माइनस एक्स वन कितना हो जाएगा, ए प्लस 4 बी। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 4 गए तो कितना बचा, डेल्टा एक्स इक्वल टू 12 बी। 12 बी हमारे पास में आया। अब हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया 12 बी, और टोटल टाइम कितना है 4 सेकंड, और 2 सेकंड के बीच का टाइम इंटरवल कितना होगा 2 सेकंड, ओके। यहाँ पर टी टू माइनस टी वन, दिस डेल्टा टी इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, मतलब कि 4 माइनस 2 मतलब कि 2 सेकंड, ओके। सो दिस 12 बाई 2, सो 6 बी, और बी का वैल्यू कितना है 2.5, तो यहाँ पर हमको मिला 6 × 25/10, ओके। तो यहाँ पर 6 × 25 कितना होता है 150, ओके। सो 150/10, सो इट इज़ इक्वल टू 15 meters per second। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड हमारा पास में आया, एवरेज वेलोसिटी आया 15 meters per second, ओके। थैंक यू वेरी मच।